नमस्ते साथियों, आज मैं बात करूंगा उन अधिवक्ताओं के लिए जिन्होंने अभी अपनी नई नई प्रैक्टिस शुरू की है और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करें और कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करें। हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है, नए अधिवक्ता है, मान लो उनका नाम है मोहनलाल जी, नए नए वकील साहब बने, एडवोकेट भी लगा देते हैं इनके आगे, एडवोकेट BA LLB, ठीक है, मोहनलाल जी वकील साहब बन गए। अब मोहनलाल जी कहाँ रहते हैं? एक गांव में रहते हैं। अब इनके लिए समस्या ये है कि इनके गांव के पास में पड़ती है, कस्बा पड़ता है जिसमें कोर्ट पड़ती है, SCJM और एक SDO कोर्ट, ठीक है, ये मोहन जी का गांव हो गया। दूसरा, मोहन जी के गांव के पास थोड़ा दूर शहर है, उस शहर में पड़ती है एक जिला एवं सेशन न्यायालय, ठीक है। अब मोहन जी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूँ या यहाँ पर प्रैक्टिस करूँ। यानी मोहन जी के सामने दो ऑप्शन है, एक तो अपने गांव के पास जो कस्बा है या इसी कस्बे में रहते हैं तो उसके पास में जो कोर्ट है SCJM या JM कोर्ट है वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करें या जिला सेशन न्यायालय में शुरू करें। तो मोहन जी को मैं इस बात पर सलाह देना चाहता हूँ कि मोहन जी को क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो स्थिति यह है कि अगर मोहन जी की स्थिति ऐसी है कि वो 5-6 साल तक अपने घर से पैसा ले जाकर वकालत सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? जिला एसोसिएशन। मोहन जी की स्थिति ऐसी है, एक सर LLB करते करते आधी उम्र तो हो गई, अब तो पैसा कमाना है, तो उनको कहाँ जानी है? अपने पास के जो कस्बे की कोर्ट है वहाँ पर जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसको मैं समझा दूँगा। देखो मोहनलाल जी, अगर आप आपके पास की जो कोर्ट है, भले वो SCJM हो भले JM, ठीक है, जो आपके पास में किसी कस्बे में है, और इधर हो गए आपके सेशन न्यायालय जो जिला लेवल पे होगी वो कोर्ट। अब जो आपके कस्बे के आसपास की कोर्ट है वहाँ जाने से आपकी प्रैक्टिस से क्या शुरू होगा, फ़ायदा क्या है? देखो, यहाँ जाने पर आपको क्या फ़ायदा है कि सबसे पहले तो आप कम खर्च में, जाने आने का किराया भी कम लगेगा, पैसा कम खर्च होगा और वहाँ आप जा सकते हो। दूसरा, जो आपके आसपास की कोर्ट है वहाँ से आपको लोकल काम मिल जाएगा, लोकल काम मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? कि आपका परिचय वहाँ ज़्यादा है, आसपास के परिचय, आसपास के लोग ही आएंगे। जबकि यहाँ सेशन न्यायालय में जो आप जिला लेवल कोर्ट है वहाँ तो जाने का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा और वहीं रहना पड़ेगा तो और भी खर्चा डबल हो जाएगा। दूसरा, आपका वहाँ परिचय नहीं है, शहर में परिचय होता ही नहीं है, फेमस एडवोकेट के पास जाता है तो वहाँ पर काम नहीं आएगा, कम आएगा। कम क्या बोलो, नहीं आएगा, नए नए एडवोकेट के लिए काम आता ही नहीं। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपके, जैसे आपके गांव के हो तो SDO कोर्ट में आपको खेती के मामले भी, बंटवारे के, सिंपल घोषणा के मामले आपके पास आ जाएंगे, तहसील के मामले में आपके पास रजिस्ट्री आ जाएगी, जिससे छोटा मोटा पैसा आपके पास आता रहेगा। यहाँ पर आपके SDO कोर्ट का काम आपके पास नहीं आए क्योंकि आपका परिचय नहीं है। दूसरा, तहसील लेवल का काम भी आपके पास नहीं आएगा। तो और बताता हूँ मैं, आपके गांव के लेवल पास में जो कोर्ट है वहाँ पर जो थाने लगते हैं, थाने का काम भी आपके पास आ जाएगा। क्यों? कि एडवोकेट कम होंगे, उस शहर में आपके पास काम कम मिलेगा क्योंकि एडवोकेट वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो जो अधिवक्ता, भले मोहनलाल जी हो भले आप हो, अगर आपके सामने भी ये समस्या है कि सर मुझे प्रारंभिक स्तर पर प्रैक्टिस कहाँ करनी चाहिए, तो प्रारंभिक स्तर पर आपको प्रैक्टिस अधीनस्थ न्यायालय में करनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय में करने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा, आपका परिचय जल्दी होगा, ठीक है, और तीसरा आगे काम आएगा तो क्या होगा, पैसा मिलना लगेगा। अब आप सोचते हो सर ये तो हमारा सेशन न्यायालय में हो सकता है, ठीक है ना। सेशन न्यायालय में क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय क्या आती है,
जो आपका अधीनस्थ न्यायालय है वहाँ की आपकी अपील आएगी, तो अपील में कौन जाता है? जो जीतने वाला थोड़ी जाएगा, हारने वाले ही जाएगा, है ना। तो जो व्यक्ति SCGM न्यायालय में, ठीक है, या सिविल कोर्ट जो अधीनस्थ है उसमें हार गया, वो अपील न्यायालय में जाएगा, तो अपील न्यायालय में जाने को नया वकील थोड़ी करेगा, नया तो नहीं करेगा, वो तो सीनियर के पास जाएगा, तो आपके पास काम नहीं आएगा। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में छोटा मोटा काम आपको लगातार मिलता रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे ग्रामीण बच्चे या वे ग्रामीण नए अधिवक्ता जिनके परिवार में कोई एडवोकेट नहीं है, यानी कि उनके पापा एडवोकेट नहीं है या भाई नहीं है या कोई भी क्लोज व्यक्ति जो एडवोकेट नहीं है उन्हें, और वो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है, तो उन्हें अपनी प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? जो अपने घर या गांव के पास की कोर्ट में। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। सेशन कोर्ट में करने पर आपको पैसा नहीं मिलेगा और लंबे समय तक आप जम नहीं पाओगे। सेशन कोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी फीस आती है, बड़े काम आते हैं, सेशन ट्रायल्स आती है, मगर वहाँ का काम आपको शुरुआती दिनों में नहीं करना चाहिए। तब कब करना चाहिए? जैसे आपने आपके जो SCGM कोर्ट है गांव के पास वाली, उस कोर्ट में आपने 3 से 4 साल काम कर लिया या 5 साल काम कर लिया, अब आपका परिचय हो गया, फिर छोटी मोटी जो अपील आती है तब आप सेशन कोर्ट जाया करो, ठीक है, एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, अब सप्ते में छोटा मोटा काम लिया करो, तो वहाँ पर भी आपका काम धीरे धीरे जम जाएगा। और जब आपको लगेगा कि नहीं आपके सेशन कोर्ट का काम आपको अच्छा मिल रहा है, यहाँ आप 1-2 दिन कर दो और वहाँ बढ़ा दो, आपको 5 दिन वहाँ कर दो, तो 1 दिन यहाँ रहने दो, फिर ज़्यादा काम आए तो पूरे सप्ताह वहाँ रहो। बाकी शुरुआत में आप सीधे यहीं जाओगे तो आपको काम बिल्कुल ही नीक के बराबर मिलेगा। अब देखो एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो मोहनलाल जी है ना, मैंने क्या बोला, कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। एक तो प्रश्न है कि नए अधिवक्ताओं को कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, दूसरा प्रश्न यह है कि नए अधिवक्ताओं को काम कौन सी कोर्ट में सीखना चाहिए। सीखने का मतलब क्या हुआ कि आप किस कोर्ट में जूनियरशिप करेंगे, ठीक है ना, जूनियरशिप, इन दोनों में अंतर है। प्रैक्टिस कौन सी कोर्ट में करनी चाहिए ये मैंने इस वीडियो में समझाया, नए अधिवक्ताओं को जूनियरशिप कौन सी कोर्ट में करनी चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय में करनी चाहिए, सेशन न्यायालय में करनी चाहिए, ये अलग है, आप इन दोनों को एक मत समझो। जो अधिवक्ता इन दोनों को एक समझ जाता है, जैसे वो सोच लेता है कि यार मेरे को SCGM में प्रैक्टिस करना, वकील साहब ने बताया, और वो SCGM जो जूनियर कोर्ट है उसी कोर्ट में अगर वो जूनियरशिप करेगा तो उसके लिए गलत है। उसको कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस करने में उसको क्या फ़ायदा होगा, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं हूँ एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।